हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई आपके सामने क्योंकि मेरी तबीयत काफी दिनों से खराब थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो ऐसे में मैं दवा खाना गई नहीं, दवा ली नहीं और अपने पैसे बहुत ही आसान तरीके से बचा ली। तो मैंने घरेलू उपयोग करी हूँ और जो है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी घरेलू उपयोग करें और दवा खाना नहीं जाए, अपने पैसे बचाएं और ये आपको ज्यादा मतलब मेहनत भी नहीं लगेगी, आपको आपके पैसे भी नहीं खर्चे होंगे और ये सामग्री आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाएंगे और ये बहुत ही फायदेमंद दवा है। तो चलिए जान, ये प्लेट में कुछ सामग्री है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में हमेशा काढ़ा बनाने के लिए किया जाता है। लौंग हुआ, तेज पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये लकड़ी, इसको बोलते हैं दालचीनी, और तुलसी का पत्ता भी आपने देख लिया था। इन सबको जो है कि एक जो बोलते कूटने वाला होता है देसी स्टाइल, जो कि गांव में अक्सर दिखता है, उसमें एक एक करके मम्मी हमें कूट रही है। मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्या बना रहे हो, तो उन्होंने बताया कि वो एक स्पेशल काढ़ा बनाने जा रही है। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये काढ़ा बनाया जाए और लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को काढ़े के बारे में नॉलेज जो है कि कोविड के समय हुई, तब लोगों ने कोविड में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा काफ़ी पिया, लेकिन अभी उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन उनका मानना है कि आपको काढ़ा हफ्ते में या वीक में 2-3 बार तो पीना ही चाहिए। इसके लिए पहले उन्होंने एक ये टोप ले लिया जिसको गैस पे रखा मीडियम फ्लेम पर, उसमें पानी डाल दिया अपने हिसाब से जितना आपको डालना है, और जो अभी मसाला उन्होंने कूटा था उसको पूरा जो है कि टोप में डाल दिया है और कम से कम 10-15 मिनट उसको पकाएंगे, वो भी मीडियम फ्लेम। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो मसाला है, जो सामग्री थी आयुर्वेद जैसी जड़ी बूटी जो भी थी, उसका अर्क पूरा उतर जाएगा और जो है कि पानी का रंग जो है कि अपने आप बदलने लगेगा। बिलीव मी, ये जो काढ़ा है इसे पीकर उनमें बहुत फर्क आया। हम उनसे खुद ही जानेंगे कि उन्होंने इस काढ़े को कितनी बार पिया। 3 दिन तक सुबह शाम पी, जिसकी वजह से मैं एकदम सेहतमंद हो गई और मेरे गले का जो खुजली नहीं रहता खसखस वो ठीक हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा और कड़वा था पर मुझे बहुत टेस्टी लगा, मेरी तबीयत ठीक हो गई, मैं बहुत खुश हो गई बस। ठीक है, इस तरह से हमारा काढ़ा जो बनके तैयार हो गया है, हमने अब इसको ग्लास में अपने कप में भी निकाल लिया है। ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा कड़वा होगा लेकिन यकीन मानिए ये आपको पूरी तरह से ठीक कर देगा। आई होप कि आपको ये हमारा काढ़ा पसंद आया होगा। शुक्रिया।